subscribe the channel and like all the video. Students, हम लोग discuss कर रहे हैं VSEPR theory. पिछले lectures में हमने shape discuss किया था compounds having five pair of electrons. आज हम लोगों को डिस्कस करना है कंपाउंड्स हैविंग सिक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉनों के सिक्स पेयर हैं, उनका शेप वेस्पर थ्योरी के अनुसार. तो सबसे पहली चीज तो हम ये बताएंगे कि अगर हमारे पास टोटल पेयर सिक्स है, टोटल पेयर सिक्स है जिसमें बॉन्ड पेयर भी सिक्स है और लोन पेयर जीरो है, इस कंडीशन में शेप होता है ऑक्टाहाइड्रल और बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री. ऑक्टा का मतलब आठ और हाइड्रल का मतलब फलक, अष्टफलकी. स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे कॉलेज की मैगजीन है जिसका नाम है प्रेरणा 2017-18 की. इस मैगजीन को हमने इस तरह से ले लिया, इसके सेंटर में सेंट्रल एटम हो गया, इसके सेंटर में सेंट्रल एटम हो गया, एक एसोसिएटेड एटम यहां पर, एक एसोसिएटेड एटम यहां पर, थर्ड एसोसिएटेड एटम यहां पर, फोर्थ एसोसिएटेड एटम यहां पे, फिफ्थ एसोसिएटेड एटम ऊपर टॉप में और सिक्स एसोसिएटेड एटम नीचे. तो ये जो कंडीशन हो गई, इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक फेज यहां पे हो गया, दूसरा फेज यहां पे हो गया, तीसरा फेज यहां पे हो गया और चौथा फेज यहां पे हो गया और चार फेज नीचे हो गए. तो चार और चार फेज मिलके हुए आठ, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहाइड्रल. अब यहां पर डायग्राम में इस स्ट्रक्चर को देखो, ये ऑक्टाहाइड्रल से बना हुआ है, बीच में सेंट्रल एटम है, बीच में सेंट्रल एटम है और ये स्क्वायर में चार लिगेंड लगे हुए हैं, चार एसोसिएटेड एटम लगे हुए हैं, एक एसोसिएटेड एटम ऊपर लगा हुआ है और एक एसोसिएटेड एटम नीचे लगा हुआ है. ऊपर वाले को अगर हम जोड़ना चाहें तो स्क्वायर के एक कॉर्नर यहां, एक कॉर्नर यहां, एक कॉर्नर यहां और एक कॉर्नर यहां, तो कितने कॉर्नर हुए, फोर. और नीचे से जोड़ना चाहे तो एक कॉर्नर यहां पे, एक कॉर्नर यहां पे, एक कॉर्नर यहां पे और एक कॉर्नर यहां पे, तो नीचे कितने कॉर्नर हुए, फोर. तो फोर और फोर मिलके कितना हो गया, एट. तो ऑक्टाहाइड्रल का मतलब अष्टफलकी. अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है एस एफ सिक्स. इसका एग्जाम्पल है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड. अब हम पहला प्रश्न पूछते हैं कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, तो तुम बता दोगे कि सेंट्रल एटम सल्फर है और सेंट्रल एटम जब सल्फर है तो ये अपने वैलेंसी सेल के सभी इलेक्ट्रॉन्स को कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कराएगा और इसके वैलेंसी सेल के सभी इलेक्ट्रॉन है सिक्स, तो इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए सिक्स. अब जो एसोसिएटेड एटम है वो है सिक्स फ्लोरीन, तो एसोसिएटेड एटम सिक्स फ्लोरीन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, वो देंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12
12 से पेयर बनाओगे तो इट इज इक्वल टू टोटल पेयर 6। अब बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर एसोसिएटेड एटम्स के नंबर होता है, तो ये एसोसिएटेड एटम का नंबर हो गया जो कि है 6, तो बॉन्ड पेयर हो गए 6। और जब टोटल पेयर में से बॉन्ड पेयर को माइनस कर देते हैं तो हम लोग को लोन पेयर मिलता है जो कि है 0। तो इस कंडीशन में जो सेट होगा, इस कंडीशन में जो सेट होगा उसको हम लोग कहेंगे ऑक्टा। ऑक्टा का मतलब 8 और दूसरा इसमें जुड़ेगा हाइड्रल। हाइड्रल का मतलब फेजेस या फलक, तो अष्टफलकी। और जो एंगल होगा इसमें वो एंगल होगा 90 डिग्री। तो दोबारा इसको देखो, SF6 सेंट्रल एटम सल्फर कॉन्ट्रीब्यूट 6 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन एटम कॉन्ट्रीब्यूट 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12, टोटल पेयर 6, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, सेट ऑक्टाहेड्रल, एंगल 90 डिग्री। यहां पे हम लोग जब देखेंगे स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो अब सल्फर जो हम लोग का है वो सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा और वो आ जाएगा इस जगह पर सल्फर। अब हम अपने 6 फ्लोराइड को लगाते हैं तो 6 फ्लोराइड की जब बात करेंगे तो पहला इस जगह पे आ जाएगा, दूसरा इस जगह पे आ जाएगा, तीसरा इस जगह पे आ जाएगा, चौथा फ्लोराइड इस जगह पे आ जाएगा, पांचवा फ्लोराइड इस जगह पे आ जाएगा और छठा फ्लोराइड इस जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया जो कि SF6 का है। तो फिर से ध्यान से सुन लो, कंपाउंड्स हैविंग 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पहला एग्जांपल है SF6। SF6 में टोटल इलेक्ट्रॉन है 12, टोटल पेयर है 6, बॉन्ड पेयर है 6, लोन पेयर है 0, सेप है ऑक्टाहेड्रल, एंगल है 90 डिग्री और यहां पर जो सेप है वो इस तरह का सेप बना हुआ है। अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 पे चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कंडीशन नंबर 2। हम लोग सेकेंड कंडीशन को डिस्कस करते हैं, SF6 की कंडीशन नंबर 1 थी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन नंबर 2। सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं IF5 एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है और इसका नाम है आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। इट इज नोन एज आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। ये अलग से सिलेबस में मेंशन है। तो अब फिर वही बात हम पूछेंगे कि विच इज सेंट्रल एटम इन IF5, तुम बता दोगे आयोडीन। कैसे है इसके लिए वेस्पर थ्योरी के पहले एपिसोड्स को देखना होगा। तो जो आयोडीन हम लोग का सेंट्रल एटम है ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 7। अब एसोसिएटेड एटम है फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 12। देन वी कैन से दैट आयोडीन पेंटाफ्लोराइड हैज टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कन्वर्ट टोटल इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉन पेयर्स बाई डिवाइडिंग टोटल इलेक्ट्रॉन्स बाई 2। देन वी कैन से दैट टोटल पेयर इज सिक्स एंड बॉन्ड पेयर इज 5। वाई बॉन्ड पेयर इज 5? वी कैन आंसर दैट द नंबर ऑफ एसोसिएटेड एटम इज 5। नंबर ऑफ एसोसिएटेड एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 5। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लोन पेयर। हाउ मच लोन पेयर आर प्रेजेंट?
देन फॉर्मूला टेल्स दैट टोटल पेयर माइनस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू लोन पेयर. देन इट इज 1, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1. एंड इन दिस कंडीशन व्हेन टोटल पेयर इज 6, बॉन्ड पेयर इज 5 एंड लोन पेयर इज 1, देन स्ट्रक्चर इज स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल. स्ट्रक्चर विल बी स्क्वायर पिरामिडल एंड एंगल विल बी 90 डिग्री. अगेन सी दैट कंडीशन नंबर 2, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड. आयोडीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स, 5 फ्लोरीन एटम्स हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12, टोटल पेयर 6, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल, एंगल 90 डिग्री. अब इस स्ट्रक्चर में हम लोग एक जगह पर लोन पेयर लगा देंगे. लोन पेयर, इट इज लोन पेयर, और सेंट्रल एटम चेंज होके हो गया है आयोडीन. तो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर बन गया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर. ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो IF5 जो होगा हम लोगों का, हम लोग अगर इसमें देखें तो ये स्क्वायर हो गया, सेंटर में आयोडीन, 1 फ्लोराइड यहां पे, दूसरा फ्लोराइड यहां पे, तीसरा फ्लोराइड यहां पे, चौथा फ्लोराइड यहां पे, पांचवा फ्लोराइड यहां पे. तो एक फेज यहां पे हो गया, दूसरा फेज यहां हो गया, तीसरा फेज यहां हो गया, चौथा फेज यहां हो गया, और लोन पेयर नीचे. तो ये कंडीशन कहलाती है स्क्वायर पिरामिडल. तो कंडीशन नंबर 2, अंडर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी टोटल पेयर 6, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर एंड एंगल विल बी 90 डिग्री. अब हम लोग चलते हैं कंडीशन नंबर 3 पे. व्हाट इज द कंडीशन नंबर 3? कंडीशन नंबर 3 अंडर हेडिंग कंपाउंड्स हैविंग 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी कैन राइट कंडीशन नंबर 3. द एग्जांपल फॉर कंडीशन नंबर 3 इज XeF4. XeF4 is known as xenon tetrafluoride. We will discuss this xenon tetrafluoride in our chapter entitled Structure of Rare Gas Compounds. In this xenon tetrafluoride, the central atom is xenon and associated atom is fluoride or fluorine. There is difference between fluoride and fluorine. Fluoride is this and fluorine is this. So, central atom is xenon and associated atom is fluorine. Then we can write that central atom xenon will contribute 8 electron in the formation of XeF4, because valency shell of xenon has 8 electrons. 4 fluorine associated atoms will contribute 4 electrons.
बिकॉज वन एसोसिएटेड एटम कॉन्ट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन, हेंस फोर एसोसिएटेड एटम्स विल कॉन्ट्रीब्यूट फोर इलेक्ट्रॉन. नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी 12 इलेक्ट्रॉन. डिवाइड दिस 12 इलेक्ट्रॉन इंटू पेयर, देन टोटल पेयर विल बी 6. नेक्स्ट पॉइंट इज बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर इज नंबर ऑफ एसोसिएटेड एटम, एंड इन दिस कंपाउंड एसोसिएटेड एटम इज 4, हेंस बॉन्ड पेयर विल बी 4. नेक्स्ट वन इज लोन पेयर. व्हेन वी सब्सट्रैक्ट टोटल पेयर फ्रॉम बॉन्ड पेयर, देन वी गेट द नंबर ऑफ लोन पेयर, देन 6 - 4 इज इक्वल टू 2, एंड 2 इज लोन पेयर. नाउ शेप, शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर. शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल 90 degree. अगेन सी कंडीशन नंबर 3, एग्जाम्पल HCF4. HC कॉन्ट्रीब्यूट 8 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन कॉन्ट्रीब्यूट 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 12, टोटल पेयर 6, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, शेप स्क्वायर प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल 90 degree. अगेन इन दिस कंपाउंड दिस सेंट्रल एटम इज Fe एंड 4 फ्लोरीन आर प्रेजेंट एट स्क्वायर, एंड दिस एक्सियल इक्वेटोरियल पोजिशन इज ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर. हेंस दिस इज द शेप ऑफ कंपाउंड, एंड दैट शेप ऑफ कंपाउंड इज स्क्वायर प्लेनर. जस्ट लाइक दिस बुक, द सेंट्रल पोजिशन इज ऑक्यूपाइड बाई जेनॉन, 1 फ्लोरीन दिस प्लेस, 2 फ्लोरीन दिस प्लेस, 3 फ्लोरीन दिस प्लेस एंड 4 फ्लोरीन दिस प्लेस. 1 लोन पेयर ऑन अपर साइड एंड 2 लोन पेयर ऑन लोअर साइड. नाउ वी मूव ऑन टू कंडीशन नंबर 4. कंडीशन नंबर 4, नाउ राइट डाउन कंडीशन नंबर 4, टोटल पेयर 6. कंडीशन नंबर 4, टोटल पेयर 6, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 3, स्ट्रक्चर टी शेप, स्ट्रक्चर विल बी टी शेप एंड एंगल 87 degree एंड 48 minutes. 87 degree 48 minutes. नाउ अब हम लोग इसको फिर से दोबारा से देखते हैं. आज हम लोग ऐसे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं जिनमें टोटल 6 पेयर है. हमने 4 कंडीशन बताई. कंडीशन नंबर वन टोटल पेयर 6, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रल, एंगल 90 degree. कंडीशन नंबर 2, टोटल पेयर 6, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल, एंगल 90 degree. कंडीशन नंबर 3, टोटल पेयर 6, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर. एंड कंडीशन नंबर 4, टोटल पेयर 6, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 3, स्ट्रक्चर टी शेप, एंगल 87 degree 48 minutes.
मेरे विचार से ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम वेस्पर थ्योरी के लास्ट एप्लीकेशन पर चलेंगे, कंपाउंड्स हैविंग 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना सभी के लिए मैंडेटरी है। तुम YouTube को खोलो, उस पर डॉक्टर विवेक दीक्षित सर्च करो और सर्च करने पर कोई वीडियो आएगा उस वीडियो को ओपन करो, वहां सब्सक्रिप्शन का लाल बटन आएगा, उसको दबाओगे तो सब्सक्राइब हो जाओगे। उससे फायदा ये होगा कि जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा और सबसे पहले तुम उसको देख पाओगे। लाइक और कमेंट करते चलो और किसी भी तरह की समस्या के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9719660833 पर संपर्क कर सकते हो। खूब मेहनत से पढ़ो, अच्छे से अच्छा नंबर पाओ, अपने माता पिता, अपना और हमारे महाविद्यालय किसान महाविद्यालय बहराइच का नाम रोशन करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।